हेलो गाइस, जय माता दी। आज हम जा रहे हैं बाला सुंदरी माता। एक्चुअली हम यहाँ पे आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। यहाँ पे अर्ध कुंवारी युद्ध लंगर लगता है आधे में, वहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं। तो मेरे साथ जा रहा है पारुण। हेलो गाइस, हाउ आर यू। और एक hello. हमारा हाँ भाई, क्या नाम है आपका? एच वीर बोलते हैं इनको, ऐसे नाम बता दिया इनका। HL26 भाई। तो अभी हम बैठे हुए यहाँ पे, तो सफर काफी तय कर लिया हमने। तो अभी हमें भूख लग गई थी थोड़ी, तो साथ में चिप्स वगैरह लेके आए थे। तो अभी हम बिस्किट चिप्स वगैरह खा रहे हैं यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे ऊपर। तो गाइज, अभी हम आ गए हैं यहाँ पे टॉप पे। तो जब हम गर्मियों और नवरात्रों में यहाँ पे आते हैं, तो ये जो पेड़ दिख रहा है आपको, यहाँ पे ककड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे बंदा बैठा होता है खीरे लेके, तो बड़े अच्छे खीरे मिलते हैं। जब भी आओ जरूर खाना। और अभी हम टॉप पे आ गए हैं, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है। बट देख सकते हो आप पीछे, अभी हम ये देखो पप्पू ब्लॉगर। या भैया, पप्पू भैया को मैं यही बता रहा था कि यहाँ पे जो ककड़ियों का जो इंजॉय हम लेते थे खाने का, अभी हम बहुत मिस कर रहे हैं उसको। तो भैया हमारी बात सुन रहे हो, तो जरूर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे अपने ककड़ियों का लंगर लगाएं। थैंक यू वेरी मच। तो चलते हैं हम आगे। तो अभी हम टॉप पे पहुंच गए हैं। टॉप में पहुंचने वाले हैं। टॉप से हम टॉप पे पहुंच गए। यहाँ पे टंकी है नीचे, और यहाँ पे एक पेड़ है, बड़का पेड़ है। मैं भी इतना तो मेरे को नहीं पता है, बट अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। अभी थोड़ी देर में माता का भवन सामने दिखने लगेगा। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो एंड तक, जरूर देखना। जय माता दी। पहुंच गए हैं माता के भवन के सामने, बिल्कुल सामने। वो देखिए पीछे माता का भवन दिख रहा है। जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, जय संता दी। तो हम पहुंच गए यहाँ पे टॉप पे। अभी यहाँ से थोड़ा सा रास्ता और बचा हुआ है, तो बड़ी देर के बाद चला हूँ। इतना भाई थक गया हूँ। और आप वीडियो को अपना प्यार देते रहिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। जय माता दी। तो गाइस फाइनली हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं अभी। तो अभी हमें काफी टाइम हो गया यहाँ पे पहुंचे हुए। एक्चुअली मेरा फोन बैटरी लो हो गई थी फोन की, तो इसलिए मैं तब अपडेट नहीं कर पाया इसको। तो अभी हम माता के दरबार में हैं। तो अभी यहाँ पे पहुंच के खाना वाना हो चुका है, तो अभी सोने की तैयारी है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सोने की तैयारी हो रही है। ये हमारे साथ हमारे अरुण जी, ये देख सकते हैं आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको हम अपने जो हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था पहली वीडियो में, अपने मुन्ना जी, ये देखिए थोड़ा सा बिस्तर सेट कर रहे हैं अभी। और ये आपने देखा नहीं था, ये हमारे पप्पू ब्लॉगर। और आप ये देख सकते हैं, ये हमारे एच वीर है, वहां पे दिखे नहीं थे क्लियर। ये हमारे अरुण जी, देखिए अरुण जी है। अभी सोने की तैयारी हो रही है गाइस, सुबह मिलते हैं, गुड नाइट गाइस। आज की सुबह हमारी लाला जी के साथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। देख सकते हैं आप, ठंडा पानी हमें नहाने को मिल रहा है। इधर हमारे अरुण जी है जो ब्रश कर रहे हैं इस टाइम। अमन जो है वो कटा न डाल के घूम रहा आगे पीछे। कहा गया अमन? अमन इधर आ यार। देखिए अमन ने कड़ा न डाला हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है कड़ा न डाल के। गर्मी डालने के लिए, लेकिन गर्मी को लगी ठंड लगी रात को। मेरी टांगों को भी टांगे घुसा रहा था। तो गाइज आप देख सकते हैं, ये थे हमारे मुन्ना जी। तो अभी मॉर्निंग हो गई है हमारी, तो अभी हमें नहाना है थोड़ी देर में। तो आपको दिखाते हैं अभी माता का भवन दिखाएंगे अभी नहा के। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नजारा है। ये हमारे दूसरे यूट्यूबर भाई, क्या नाम है भाई आपके यूट्यूब चैनल का? भैया बता रहे नहीं है, ये जेके राइडर अमित, सभी इनको अनसब्सक्राइब कर दो और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। ये देखिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये देखिए कितना अच्छा नजारा है भाई। लोग सो गाइस, तो आप मेरे को जानते ही हो कि मेरा यूट्यूब चैनल जेके राइडर अमित के नाम से।
तो आप सिर्फ इतना करना, आप वहाँ पे आपको नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, इसके वाले नहीं मेरे वाले जेके राइडर में जब जाओगे आप तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, हमने उसको अनसब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अनसब्सक्राइब करें उसको। तो गाइस अभी हम जाने लगे हैं माता के दरबार में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शूज खोलेंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे माता का भवन, जय माता दी। तो ये यहाँ से माता का भवन स्टार्ट होता है। सकते हम जा रहे हैं माता के भवन में, तो हम ऊपर आ चुके हैं, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है यहाँ पे। जो जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं उनको तो पता है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे दृश्य हैं। ये देखिए यहाँ पे नीचे तालाब है और ये भगवान शिव जी हैं यहाँ पे, जय शिव शंकर भोलेनाथ। सो फाइनली गाइज हम माता के दरबार में, अब माता दर्शन कर सकते हैं। अभी एक्चुअली गेट बंद है, अभी गेट बंद है, गेट खुलते ही हम आपको दर्शन करवाएंगे, जय माता की। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि मंदिर माता का खुल चुका है, दरबार देख सकते हैं आप, माता के दर्शन कर लीजिए सभी, जय माता दी। अभी हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं माता के भवन से, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जब नवरात्रे होते हैं यहाँ पे माता का लंगर लगता है नीचे, तो बहुत अच्छा खाना बनता है यहाँ पे। तो गाइस अब जब भी आए यहाँ पे लंगर जरूर चख के जाना, जय माता दी। तो अभी हमारे साथ ये सभी हमारे साथी रेडी हो रहे हैं वापिस जाने के लिए, आइए हम आपको सबसे मिलाते हैं। ये हमारे मुन्ना भैया जी, जय माता जी सारे, और ये देखिए सभी रेडी हो रहे हैं घर जाने के लिए। हेलो गाइस, पप्पू ब्लॉगर, वेलकम। आपका नाम क्या है? पप्पू ब्लॉगर। अच्छा, वेलकम टू पप्पू ब्लॉगर। नानी नानी हो करे भ्रावा पुणे पप्पू ये देखिए हमारे अरुण जी, बैग बैग पैक कर लिया इन्होंने, तो रेडी हो जाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, आपको रास्ते की वीडियो दिखाएंगे। रात को तो बहुत अंधेरा हो चुका था, तो अभी हम जाते जाते आपको रास्ता दिखाएंगे। ठीक है, सो गाइज अभी हम माता के दरबार से निकल रहे हैं वापिस घर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियां, और यहाँ से नीचे से देख सकते हैं आप सामने। तो गाइज अभी हम जाने वाले हैं वापिस घर, और घर जाके हम आपसे अभी पुल पे जाने वाले हैं हम, इससे उसके बाद हम गाड़ी पकड़ के घर जाएंगे। तो अभी टाइम बहुत हो चुका है, सो बाय बाय, हमें अभी हमें फास्ट फास्ट जाना पड़ेगा यहाँ से। तो ठीक है, जय माता दी। सो गाइज अभी आप देख सकते हैं कि हम वापिस घर जा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे हमारे जो साथी हैं बैठे हुए हैं, आगे रेस्ट कर रहे हैं, हमसे आगे आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे बीनी पुल दिख रहा है, वो देखिए बीनी पुल, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और मैं आपको रात को भी दिखाया था कि यहाँ से माता का भवन दिखता है, वो देखिए सामने, रात को तो दिखा नहीं था, अभी देख लीजिए, जय माता दी, माता का भवन दिखता है, सभी दर्शन कर लीजिए। अभी चलने में बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे, लेकिन अभी जाते वक्त ढलान है, तो अभी हम अच्छे से जा पाएंगे। तो यहाँ पे पहुंच चुके हम। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो पेड़ है, ये कुछ देर पहले अच्छा, काफी अच्छा था, इसको हमने एक बार आग से बचाया था। तो वहां पे माता का भवन दिख रहा है, चरण पादुका है माता की। तो अभी हम आगे जा रहे हैं। तो गाइज साथी मेरे बड़ी फास्ट चल रहे हैं, सब मुझे फास्ट फास्ट चलना पड़ रहा है। रात को मैं आपको जो पेड़ दिखा रहा था गाइज ये था, उस समय दिखा नहीं था क्लियर, अभी देख लीजिए, यहाँ पे एक भैया जी बैठे होते हैं हीरे लेके, जो
जो आपको मैंने रात को बताया था। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं, आप रास्ता देख सकते हैं, बहुत बहुत कठिनाई वाला रास्ता है, डेंजरस भी है, बट यहाँ पे थोड़ी हिम्मत रख के आना पड़ता है क्योंकि माता ने जिसको बुलाया वही यहाँ पे आ सकता है। और मेरे साथ आप शर्त लगा लो, ऐसे आप घर से बिना मन के आओगे तो आप नहीं जा पाओगे ऊपर, जब तक आपको माता ने नहीं बुलाया होगा आप ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है हमें माता ने बुलाया था इसलिए हम माता के दर्शन करके वापिस आ पा रहे हैं। तो सो गाइस बड़ी मशक्कतों के बाद चल चल के फाइनली हम नीचे पहुंच गए। अब हमें यहाँ से घर जाना है।